भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शाशेनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आप्त पुरुष तीर्थंकर भगवान अंतर ग्रंथियों का छेदन करने वाले निर्ग्रंथ गुरुदेव एवं आप्त वाणी को भाव वंदना। ब्रह्मांड में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों दिव्य शक्तियों और सहयोगी शक्तियों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सत्य है जीवन, शिव है जीवन, सुंदर है जीवन, फिर असत्य क्या? जीवन सत्य, शिव सुंदर, असत्य क्या है? असत्य है मन की इच्छाएं, मन के जाल, मन की भ्रमणाएं। मन सदा बदलता रहेगा, सदा तितली की तरह एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहेगा। जब जिस फूल पर होगा उसे लगेगा बस यही सर्वार्थ है, यह फूल मेरा हो जाए, मेरा सर्वार्थ सिद्ध हो जाए। लेकिन कुछ ही क्षणों में तितली उड़ेगी, मन उड़ेगा, किसी अन्य पुष्प पर जाकर बैठ जाएगा। और जब वह किसी अन्य पुष्प पर जाकर बैठेगा तब उसे लगेगा यही है सर्वार्थ सत्य, यह मुझे मिल जाए मेरा सर्वार्थ सिद्ध हो जाए। इस तरह से मन सदा अपनी आकांक्षाओं में जीता है और मन की आकांक्षाएं हमें क्षण क्षण आकर्षित करती है। पूरी होने वाली होती है आकांक्षा तो लोभ जागता है, और अगर बीच में बाधाएं आ जाए, प्रतिकूलताएं आ जाए, तो आकांक्षा तुरंत शंका में बदल जाती है, तुरंत डर में बदल जाती है, चिंता में बदल जाती है। थोड़ा सा इस चिंता के विज्ञान को समझें तो हैरानी होगी कि हम सबको चिंता वहीं आती है जहां चाहत होती है। अगर चाहत ना हो तो चिंता ही नहीं आती। इसीलिए चाह और चिंता ये दोनों युगल है, जोड़ीदार है, दोनों हम सफर है, साथी है, एक साथ ही रहते हैं। कभी मुख पृष्ठ पर चाह रहती है भीतर चिंता, कभी मुख पृष्ठ पर चिंता रहती है भीतर चाहत, लेकिन रहती दोनों एक साथ है। और ये दोनों ही मन का पार्ट है, मन का हिस्सा है। और मन में जब तक ये दोनों रहते हैं तब तक मन अमन नहीं हो पाता,
मन शांत नहीं हो पाता, मन उद्विग्न रहता है, बेचैन रहता है। और वो मन की बेचैनियां कभी वाणी से फूटती है, कभी शरीर से फूटती है। मन की बेचैनियां शरीर से फूटती है, व्यक्ति शोरगुल करता है, चिखता चिल्लाता है, हाथ पैर पछाड़ता है, लड़ता झगड़ता है, डरता कांपता है। ये सब मन की बेचैनियां ही है। मन की बेचैनियां आदमी के शरीर को चंचल बना देती है, आवेगों से भर देती है, और तब आवेगों से भरा हुआ व्यक्ति जीवन सत्य से वंचित हो गया। अभी वो जीवन सत्य को नहीं जी रहा है, अभी वो चाहत को सत्य मान करके उसे पूरी करने में उलझा हुआ है। और वो चाहत को सत्य मान रहा है, चाहत को जीवन मान रहा है, और यहां तक स्थिति हो जाती है कि चाहत पूरी ना हो तो जीवन दांव पे लगाने को तैयार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। इतनी आत्महत्याएं होती है, सबके पीछे कारण क्या है? चाहत को जीवन बना लेना, इच्छा को सर्वार्थ सिद्ध बना लेना कि इच्छा पूरी होगी तब ही सर्वार्थ सिद्धि होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी तो मेरी सर्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकती, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, जीवन बेकार है अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो। इच्छा जीवन बना दी गई, गौण को महान दे महानता दे दी, शूद्र को महत्व दे दिया, और जैसे ही शूद्र को महत्व दिया शूद्र अपनी शूद्रता दिखाएगा, शूद्र अपनी शूद्रता दिखाएगा, और महत्वपूर्ण हो जाने के कारण से जो वाकई महत्वपूर्ण था उसको दबा के मार के फिर वो अपनी महत्ता पूरी करेगा। जब जब इस धरती पर शूद्र को महत्व दिया गया, इच्छाओं को महत्व दिया गया, चाहतों को महत्व दिया गया, तब तब युद्ध हुए, तब तब योग्यताएं मारी गई, दबाई गई, कुंठित की गई, योग्यताओं को बलात्कार का शिकार होना पड़ा। जीवन योग्यता का नाम है लेकिन जीवन खत्म हो रहा है चाहत के कारण। चाहत ही चिंता है, चाहत ही भ्रमणा है। वो चाहत अपने वास्तविक स्वरूप में कोई अस्तित्व रखती ही नहीं है, उसका वास्तविक स्वरूप में तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका केवल काल्पनिक अस्तित्व है। इसीलिए असत्य क्या है? मन की चाहत। जीवन सत्य है लेकिन वो काल्पनिक सोच। आम खाने को मिल गया तो ही आनंद आएगा, आम नहीं मिला तो जीवन बेकार। अब आम खाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, और आम खाने से कोई जीवन बन जाने वाला नहीं है, लेकिन जिस राजा को मना कर दिया कि आम तेरे लिए जहर है, तूने आम खाया तो तू मर जाएगा, उस राजा को सबसे ज्यादा लालसा किसकी आएगी? आम की। अब उसके लिए आम ही स्वर्ग है, आम ही सर्वार्थ सिद्ध है, उसके लिए आम ही सब कुछ हो गया, क्योंकि आम की मनाई है। अब राजा आम के सपने देखता है, उसे दिन में भी आम दिखाई देगा, उसे रात्रि में भी आम ही दिखाई देगा, उसको जो भी फल निहारेगा उस फल में आम ही दिखाई देगा। जैसे मजनू को पूछा गया, लैला कहां? उसने कहा जहां देखू सब जगह लैला ही लैला है। राजा बोला लैला है कहां, दिखा तो सही। बोला मेरी आंख से देख तो सही तू,
वो राजा को बोलता है, तू मेरी आंख से देख, तुझे पूरी दुनिया में सब जगह लैला ही लैला नजर आएगी। राजा को लगा कि मजनू लैला को इतना प्यार करता है कि मरने को तैयार है, तो जरा मैं भी एक बार उस लैला को देख तो लूँ कि वो लैला में इतनी खास क्या सुंदरता है कि वो मजनू इतना पागल हुआ जा। राजा के मन में उत्सुकता जागी कि मैं भी उस लैला के सौंदर्य को एक बार देखूं तो सही कि एक आदमी उसके पीछे इतना पागल हो रहा है, कौन वो? राजा का आदेश हुआ, लैला को राजा के दरबार में बुला लिया गया। राजा ने जिस दिन लैला को देखा, राजा इतना हैरान हुआ, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, सांवला सा बदन, नैन नक्श ठीक है, लेकिन इतना भी कोई आकर्षण नहीं है कि मजनू उसके पीछे जान गंवा दे। राजा ने फिर मजनू को बुलाया और समझाया कि मजनू कुछ नहीं है, मैंने देख लिया लैला को, वही दो हाथ दो पैर, वही नाक, वही आंखें, वही नैन नक्श, कुछ भी नया नहीं है। अरे लैला जैसी तो हजारों लड़के तुझे मिल जाएगी, जो चाहिए दरबार में से ले ले, लेकिन उस लैला को छोड़ दे जिसके पीछे तेरी जान जा रही है। वो बोला, आपको नहीं समझ में आ सकता, ये बात राजन आपको नहीं समझ में आ सकती कि उस लैला में क्या पड़ा है, ये बात कल मजनू ही समझ सकता है कि वो लैला में लैला क्या है, चाहत में चाहत क्या है, ये केवल एक मिथ्याभिमानी, मिथ्यात्व में जी रहा, भ्रमणाओं में जी रहा उसी व्यक्ति को चाहत जीवन नजर आती है, बाकी सबके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। जिसे नहीं मिला उसे बहुत आकर्षण है, उसे लगता है ये वाला सुख मिल गया, जीवन सफल। अब जीवन को सफल कौन पूरा करेगा? इच्छा। जिसका अपना जीवन नहीं वह जीवन को सफल करेगी, एक इच्छा जिसका अपना कोई जीवन नहीं वह केवल मन के आकाश में छाया हुआ एक बादल है, या समझ लो कि दिमाग के अंदर आया हुआ एक वायरस है, और वो वायरस कहते हैं कि जब मैं मिल जाऊंगा, जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन सफल है, और वो वायरस कहता है कि अगर मेरा भोजन नहीं मिला, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो तुम्हारा जीवन ऐसा ही है। जिसके मन में अरबपति बनने का ख्वाब है उसे लगता है अरबपति बन गया तो जीवन सफल है। एंड्रू कार्नेगी जब मरने के लिए पहुंचा, अब मरने ही वाला था, तो लोगों ने कहा आपका जीवन तो सफल, $10 अरब इकट्ठे कर लिए। उसने कहा नहीं, सफल नहीं है, 10 ही कर पाया, 100 का लक्ष्य था, और 100 भी कर लेता तो कौन सा सफल हो जाना था? जब 100 कर लेता तो कहता 100 ही कर पाया, 200 का लक्ष्य था। हम इच्छाओं में जीवन देखते हैं, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इच्छा में जीवन है ही नहीं, भोजन में जीवन नहीं है, वस्त्रों में जीवन नहीं है, संबंधों में जीवन नहीं है, ये सब जीवन में है लेकिन इसमें ही जीवन नहीं है। जीवन में ये सारी चीजें हैं लेकिन इसी में जीवन नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जब इन पे वजन देना शुरू कर देता है, जब इन पे दबाव डालना शुरू कर देता है, अब वो पूरी प्रकृति में आरंभ करने लग जाता है, अब वो पूरी प्रकृति में शोरगुल मचाना शुरू कर देता है, जहां भी जाता है उसको अपना सशर्त सुख चाहिए, उसको अपनी कंडीशंस चाहिए, मैं आऊंगा लेकिन ऐसा ऐसा सिंहासन होगा तो, मैं आऊंगा लेकिन मुझे बुलाने के लिए आपके पास में वायुयान है या नहीं, नहीं है तो मैं नहीं आ सकता। सशर्त सुख चाहिए, और जब तक सशर्त सुख चाहिए तब तक आदमी से हिंसा कभी खत्म नहीं होगी, झूठ कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति हिंसा में ही जी रहा है, झूठ में ही जी रहा है। हिंसा इस बात की नहीं कि वायुयान हवा में उड़ेगा तो जीव मरेंगे, हिंसा इस बात की है कि उसको वायुयान चाहिए। अब कितने लोगों को परेशान करेगा वो, उसने कह दिया मुझे यही चाहिए, यही व्यक्ति चाहिए, अब बहुत लोग परेशान होंगे। इच्छा में आग्रह आते ही
हिंसा शुरू, इच्छा में लालसा आते ही झूठ शुरू, इच्छा में लालसा जुड़ी झूठ हो गया, इच्छा में आग्रह जुड़ा हिंसा हो गई। और नहीं नियम है कि इच्छा है, चाहत है, चिंता रहेगी, और चिंता रहेगी आदमी अपनी चिंताओं के कारण से अपने चित्त को छलनी छलनी करता रहेगा, चित्त टूटता रहेगा, खंडित होता रहेगा, मन परेशान होता रहेगा, वो अपने ही मन को पीड़ित कर रहा है। चिंता करने वाला व्यक्ति अपने ही मन को पीड़ा दे रहा है। कितनी पीड़ा दे रहा है, खुद को कितनी सजा दे रहा है। उसका दिन चिंता में बीतता है, उसका रात चिंता में बीतती है, उसको रात रात भर नींद नहीं आती, वो करवटे बदलता रहता है, मन में एक हाय तौबा मची रहती है, मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, मेरे बेटे का रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा, इसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, इसका बच्चा होगा कि नहीं होगा, इसकी तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी, वो जिएगा कि वो मर जाएगा, वो सोचता रहता है सोचता रहता है। उसे भूल जाता है कि जीवन सोच के परे है, उसको महसूस किया जाए, जीवन सत्य है उसे जिया जाए। इच्छाएं बुलबुलें हैं, उठेंगी गिर जाएंगी। बुलबुले का नियम है, वो बना वो फना हुआ, वो इच्छा पैदा हुई है वो खत्म हो ही जाने वाली है। आप देखो ना, जब हम 2 साल के थे तब भी हमारे मन में इच्छाएं बहुत सारी थी, लेकिन जब हम 4 साल के हुए 2 साल वाली इच्छा भुला दी गई, और जब 4 साल के थे तो बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन जब 14 साल के हुए वो 4 साल वाली इच्छाएं कहाँ गई, अभी याद भी नहीं आती है। और जब 14 साल के थे तब क्लास में फर्स्ट आने की गजब की तमन्ना थी, लेकिन जब 18 साल के हुए उस तमन्ना का कोई अर्थ ही नहीं बचा, वो इच्छा कहां रही। और 18 साल में जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं 22 साल में नहीं थी। 25वें साल के दौर में जब हम गुजर रहे थे तब भी हमारे मन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण इच्छाएं थी, और हमें लगता था कि यह करियर नहीं मिला, यह जॉब नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन आज जब 50 साल के और अपना बिजनेस चला रहे हो और लाखों रुपए तुम्हारे पास है, आज वो 25 साल वाली इच्छा कोई दम मारती है तो झूठ क्या है? इच्छा झूठ है। जो रहता नहीं शाश्वत वो सत्य हो सकता नहीं। जीवन सत्य है, इच्छा झूठ है। कांक्षाएं झूठ है, और कांक्षाओं में शंकाएं छुपी हुई है ही। हर कांक्षा के पीछे शंका है, और हर शंका के पीछे कांक्षा है, समय समय पर दोनों उभर कर आती है। अनुकूलताएं मिलने लगे कांक्षाएं दौड़ मारती है, प्रतिकूलताएं मिलने लगे शंकाएं दौड़ मारती है, लेकिन कांक्षा और शंका एक ही रस्सी के दो छोर है, एक ही रस्सी के दो छोर है, और यही हमारे मन को निरंतर भूत और भविष्य में घुमाते हैं। मन भविष्य में दौड़ता है कांक्षा के कारण से, मन भूत में दौड़ता है शंका के कारण से। भविष्य कांक्षा का नाम है। कांक्षा मतलब मिलेगा, मिले, चाहिए, मिल जाए, नहीं मिला तो मर जाऊंगा, मिलेगा, इट्स ऑल फ्यूचर। कांक्षा फ्यूचर है। नहीं मिला तो अब तक नहीं मिला, उसको नहीं मिला, मुझको तब भी नहीं मिला था, तब भी परेशानी हुई थी, तब भी बाधा आई थी, तब भी उसके साथ भी ऐसा हुआ था। किसकी याद आई? भूत की, भूतकाल की। ऑल डाउट्स आर रिलेटेड विथ पास्ट, ऑल डिजायर्स विथ फ्यूचर। सारी इच्छाएं भविष्य है, सारी शंकाएं भूत प्रमाद है। ये दो प्रमाद है, एक भूत का प्रमाद, एक भविष्य का प्रमाद। इसीलिए दो ही बंधन है, एक भूत का बंधन, एक भविष्य का बंधन। इस भूत और भविष्य के बंधन में हम सारे ही लोग चक्राइत है, सारे लोग बंधे हुए हैं। सबके भीतर अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं। इच्छाओं में जीवन को देखने वाला व्यक्ति झूठ को जीता है।
और इच्छा मुक्त अपने जीवन को देखने वाला व्यक्ति, जीवन की उपासना, जीवन की साधना करने वाला व्यक्ति इच्छाओं का आवश्यक मर्यादित जरूरत के अनुसार भोग करता है और फिर उसे अलग हो जाता है। वो किसी इच्छा के साथ अपना तनाव नहीं जोड़ता। उसकी इच्छा इच्छा नहीं, उसकी इच्छा केवल जरूरत मात्र की होती है। गर्मी लगी हवा चाहिए, भूख लगी भोजन चाहिए, नींद आ रही है बिस्तर चाहिए, ये उसकी जरूरत हो जाती है, इच्छा नहीं होती। लेकिन मुझे तो डनलप का ही गद्दा चाहिए, नहीं मिला तो मैं नहीं सो सकता, ये इच्छा हो गई। नींद के लिए तो कोई भी स्थान चाहिए, कोई मिल जाए स्थान सो जाएगा आदमी। भूख लगी है बस कुछ खाना चाहिए, कुछ भी मिल जाए पेट भर जाएगा, बहुत है। लेकिन नहीं, मुझे तो दाल बाटी चूरमा ही चाहिए, इडली डोसा ही चाहिए, पाव बड़ा ही चाहिए। अब आदमी इच्छाओं में भरेगा, अब इच्छाओं के लिए दौड़ेगा। अब कहाँ मिलेगा, बॉम्बे में कहाँ कहाँ सेंटर्स है, कहाँ का बढ़िया खाना मिलता है, मुझे जो खाना चाहिए वो कहाँ मिलने वाला है, वहां तक पहुंचो भैया। अब वहां तक पहुंचने में कितने घंटे लगाएगा, नहीं तो सामने खाने वाला ठेला था, खा लेता, पेट भर जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, मुझे जो चाहिए, दौड़ेगा। तो पूरी जिंदगी कौन दौड़ाता है हमको? इच्छा। इच्छा दौड़ाती है, हम दौड़ते हैं, चाहते पैदा होती है, चाहते छलती है, शंकाएं करवाती है, चिंताएं करवाती है, और चिंताग्रस्त आदमी खुद की हिंसा करता ही जाता है। और जो खुद की हिंसा कर रहा है नियम से, वो साथियों पर अपनी चिंता को झल्लाहट के रूप में निकालेगा ही। अब दूसरों को भी तंग करेगा, जो रात भर सोता नहीं है ना, वो सुबह उठ के दूसरों को भी तंग करता ही है। वो नींद में से उठते ही सबके सामने अपनी रामायण गानी शुरू कर देता है, आपको क्या पता रात भर मेरे को तो नींद ही नहीं आई, ये दर्द हो रहा था, वो दर्द हो रहा था, चिंता सता रही थी। अब दूसरे लोग कह रहे, भैया सो जाओ, सोने दो, क्यों परेशान करते हो। वो कहते, हाँ तुम्हें तो कोई परेशानी होती नहीं, परेशानी तो सब मुझे होती है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें तो कोई प्यार ही नहीं परिवार से, प्यार तो सब मुझको है। भैया वो प्यार नहीं है, लेकिन हम उसको प्यार का नाम, प्यार का बाना, प्यार का जामा पहना करके उस प्यार के नाम पे चिंताओं को पाले जाते हैं। इसीलिए ये दोनों अनावश्यक है, शंका भी और कांक्षा भी। अनावश्यक को समझ के उससे विरमित होंगे तो आवश्यक को जीना आएगा। और आवश्यक को जीना है सत्य को जीना। सत्य जीवन है, शिव जीवन है, सुंदर जीवन है। यह कह दो, जीवन सत्य है, शिव है और सुंदर है। लेकिन जहां भी असत्य है वहां जीवन नहीं है, वो आवश्यक नहीं है। जहां भी अशिवत्व है वहां आवश्यक नहीं है, जहां भी असौंदर्य है वहां आवश्यक नहीं है। चाह और चिंता, इन दोनों में ही ना सत्य है, ना शिवत्व है और ना ही सौंदर्य है। जिसको भी चाह और चिंता की बीमारी है उसके पास में जाओ, कहीं शिवत्व की अनुभूति नहीं होगी, शांति का एहसास ही नहीं होगा, कहीं सौंदर्य नहीं होगा। चाहे वो कितना ही मेकअप कर ले, वो इंसान कितना ही मेकअप कर ले, लेकिन अगर उसके भीतर में चाहते और चिंताएं घूम रही है, उसके चेहरे पर फूल किसी तरह ताजगी कभी हो ही नहीं सकती। उसके पास बैठने पर किसी को ताजगी का एहसास नहीं हो सकता। हाँ, अट्रैक्शन पैदा हो सकता है, लेकिन वो अट्रैक्शन थोड़ी ही देर का होगा, क्षण भर का होगा। मेकअप उतरा नहीं, बात खत्म, माया है। मेकअप माया है, और मेकअप उसको करना पड़ता है जिसके भीतर जीवन नहीं है। जिसके भीतर जीवंतता है, जिसके भीतर ताजगी है, उसे कभी मेकअप करना ही नहीं पड़ा। पड़ा हो तो बता दो। जिसके भीतर जीवन देता है, जिसके भीतर ताजगी है, उसका तो चेहरा ही ऐसा होगा, उसकी मुस्कुराहट ही ऐसी होगी कि जो भी आएगा स्वतः उसको भी शांति मिलेगी, उसको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। ये दुनिया सारी आज मेकअप पे लगी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक आदमी अपने आप को, अपने शरीर को,
सौंदर्य प्रसाधनों से निरंतर प्रसादित कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर में जीवन नहीं है, अंदर में सौंदर्य नहीं है, अंदर में शिवत्व घटित नहीं हुआ है। वो भीतर का सत्य, भीतर का सौंदर्य, भीतर का शिवत्व उसी को समझ में आता है जिसे एक बात समझ में आ गई कि इच्छा जीवन नहीं है। इच्छा जीवन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि इच्छा जीवन विरोधी है, लेकिन इच्छा जीवन नहीं है। इच्छा जीवन के अंदर है, उपयोगी है, उपयोगिता के आधार पर ग्रहण कर लो, बाकी को छोड़ दो। कितना यूजफुल है उतना ग्रहण करो। धन कमाने की इच्छा है, कमाओ, जितना यूजफुल है उतना कमा लो, जितना परिवार के लिए उपयोगी उतना कमा लो, लेकिन उस इच्छा के पीछे दौड़ गए तो चिंताओं का शिकार बन जाओगे। और कब वो सारे शिकारी हमें मार के दूसरे किसी शिकार की यात्रा पे चल जाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। वे चाहते हुए चिंता हमें मार चुकी होंगी, और मरा हुआ आदमी सामानों को इकट्ठा भी कर लेगा तो जिएगा कौन, भोगेगा कौन? भोगने वाला तो भोग की सामग्री इकट्ठा करते करते ही मर गया, भोगेगा कौन? और ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। इसीलिए आचारांग सूत्र कहता है कि पूर्वम दंडा पच्छा फासा, पूर्वम फासा पच्छा दंडा। इस पूरे संसार के इच्छाओं के सुखों के अंदर पहले दंड है, पीछे फांस है। फांस कहते हैं जब फांस चुभ जाती है ना, जब फांस चुभ जाती है कितनी तकलीफ होती है, और फांस नहीं चुभे उससे पहले भी दंड है, फांस चुभ जाए फिर दंड है, और वह फांस को निकालो फिर मार दुखती है। तो क्या संसार के सारे सुख ऐसे हैं? पहले भी दुख, भोगते समय भी दुख, और भोगने के बाद भी दुख। क्यों? क्योंकि वे इच्छाओं को उपयोगिता के आधार पर नहीं ग्रहण कर रहे, वे इच्छाओं को जीवन मान करके उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इसीलिए एक मिथ्यात्वी और एक समकिति में यह अंतर होता है। समकिति अपनी इच्छाओं को इच्छाओं के आधार पर जानता है, उपयोगिता के आधार पर ग्रहण करता है, आवश्यक हो तो उतना भोग करता है, बाकी को छोड़ देता है। आवश्यक भोग में कोई दोष नहीं है, लेकिन जहां इच्छाओं में पीछे दौड़े अनावश्यक हो गया। इसीलिए आवश्यक और अनावश्यक के विज्ञान को समझने वाला साधक अपने भीतर के इस तथ्य को जाने कि कहां उसके भीतर चाहते पनप रही है, कहां उसके भीतर चिंताएं उसे छल रही है। छल रही है तो वो अनावश्यक को जी रहा है, उसे तुरंत अनावश्यक से विरमित हो जाना है और अपने आवश्यक में आ जाना है। पिछले कुछ दिनों से हम आवश्यक कांड की चर्चा कर रहे हैं। आवश्यक कांड की चर्चा करते हमने तीन आज्ञा की बात करी, प्राकृत आज्ञा, आकृत आज्ञा और जागृत आज्ञा। अब इसी आवश्यक कांड के हम नेक्स्ट 6 पार्ट की बात कर रहे हैं। सत्य जीना, शिव जीना, सुंदर जीना, शंका रहित जीना, कांक्षा रहित जीना और आवश्यक जीना। ये 6 बातें हमारे जीवन में उतर जाए तो हम अनावश्यक से विरमित हो जाए, अनावश्यक छूटे तो ही जीवन का सत्य वेद होगा, अन्यथा जीवन समाप्त हो जाएगा और जीवन के सत्य शिव और सौंदर्य से हम वंचित रह जाएंगे। ऐसा ना हो, हम सबको अपने जीवन में ही परम सौंदर्य का अनुभव हो जाए। इसी सद्भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति।